सो so, गए आप सभी को सबसे पहले तो यार इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ठीक है तो आप लोगों को करना क्या है गज़ आप लोगों को जाना है यहाँ से फोटो में एंड ऐड फ़ोटो में जाने के बाद गए यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को एंड अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है आप सभी को करना क्या है यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है एंड ऐड पे क्लिक कर देने के बाद जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में मतलब के यहाँ पे हाइट जो है कुछ इस टाइप की रखनी है जो आप लोग ध्यान से देख लेना स्क्रीन पे पहले ठीक है फिर उसके बाद आपको इसमें करना क्या है आपको इसमें ऑपोसिटी की कम करनी है एंड जो फ्रंट पे जो आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं गैस आपको उनके उनके पास वाले एरिया से जो आपको अपने मॉडल को इरेज कर लेना है मतलब कि गैज़ आपको जो मॉडल है आपको पीछे की साइड में दिखाना है ठीक है ये आपके फ्रंट में होना चाहिए सारा जो भी आगे का फ्लावर्स वगैरह एंड जो लकड़ी वगैरह पड़ी है यहाँ पर ये सब जो तो आपके फ्रंट में होना चाहिए ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से इरेस कर लो एंड गैज़ अगर अभी तक आप आपसे ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड गैज आप लोगों से जो है मेरे को एक मतलब कि एक सजेशन चाहिए कि गईज आजकल ना मैं यार मतलब वीडियोस जो है मेरी थोड़ी लेट आ रही है आप सभी को पता ही है तो वज इसका रीज़न ये है कि आजकल जो है मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या कॉन्सेप्ट लाऊं आप सभी के लिए तो यार आप लोग जो है थोड़ा मतलब कि मेरे को ना मतलब आप इंस्टाग्राम पर अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप लोग वहाँ पे आके मेरे को ना मतलब पोस्ट वगैरह जो मतलब आप देखते हो वहाँ पे मेरा एडिटिंग है तो आप उनमें ना मेरे को यहाँ पर टैग कर दिया करो आप मेरे को सेंड कर दिया करो वहाँ पे मैसेज में कि भाई हमें इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वैसे जिससे क्या होगा कि मेरे लिए ना इजी हो जाएगा आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट बनाना एंड जो है मतलब कि आपको रेगुलर कंटेंट्स भी मिल जाएंगे तो मतलब यार आज आजकल थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे से मतलब कि कॉन्टेंट वगैरह जो मेरे को मिल नहीं रहा है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मतलब कि मैं क्या 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 कॉन्सेप्ट लाऊँ आप सभी के लिए तो आप लोग चाहो तो इतना सा काम मेरे लिए कर सकते हो ठीक है तो यार आप लोग एक बार ट्राई करना तो बाकी हमारा जो यहाँ पे हो चुका है ठीक है यहाँ पे इतना तो अभी उसमें जो एडजस्टमेंट जो है हम यहाँ पे नहीं करेंगे मतलब फिर भी थोड़ी सी ब्राइटनेस से उड़ा के देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इसको हम लाइटरों में एडजस्ट करेंगे अच्छे से ठीक है गाइस तो अभी हम इसको इतना कर लेते हैं अब गाइस देखिए यहाँ पे हमें फ़ोटो को डन कर दिया अब देखिए यहाँ पे हमें ना जो मतलब कि चेस्ट पे जो है ग्लोइंग डालना है तो उसके लिए आपको यार पी एन जी लेना है ठीक है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वह ये जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो कैसे डालना है मतलब कि आपके हैंड पे नहीं होना चाहिए आपके हैंड के नीचे होना चाहिए यानी मतलब चेस्ट चेस्ट पे होना चाहिए सिर्फ तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना है ठीक है एंड उसके बाद जो इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है ब्रश लेना है ब्रश को लेने के बाद जो है आप सबको क्या करना है आपको अपने हैंड के पास से जो पेंट करते हुए जाना है ठीक है पूरे एरिया में मतलब कि जहाँ जहाँ तक भी जाए कोई दिक्कत नहीं बस आपके हैंड में नहीं लगना चाहिए ठीक है इस चीज़ का आप ध्यान रखना तो आपको इस तरीके से कर लेना थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब कि इसको करने में बट हो जाएगा ठीक है तो आप लोग ये मत सोचना कि यार इरेज करने से तो इतना खास नहीं हो पा रहा है मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है यार बस वही है थोड़ी सी मेहनत लग जाती है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करना आराम आराम से कोई दिक्कत नहीं है जिस चीज़ में जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी एडिट होती है ठीक है तो आप लोग जो है इसको ध्यान से करना अच्छे से टाइम दीगे तो मैं अभी इसको यहाँ पर थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ देन बताता हूँ आपको आगे ये करना है ओके गज तो इतना हो चुका है हमारा तो अब गज इसको हम डन कर दें एंड गज अगेन हम इसको एक बार और ऐड करेंगे ठीक है तक तो ये हमें थोड़ा सा मतलब कि अपनी नेक एंड माउथ के पास लगाना है तो इसको हम वापस ऐड करेंगे एंड गज इसमें जो आपको थोड़ी सी चेंजेस भी करनी है वो कैसे करनी है आपको जाना एडजस्ट में एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना है ह्यू में ठीक है ह्यू नहीं आप टेम्परेचर में चले जाना टेम्परेचर में जाकर आप इसका टेम्परेचर जब आप ऊपर की तरफ बढ़ाओगे ना तो ये जो है मतलब कि टेम्परेचर जो है इसका ऑरेंज टोन की तरफ आ जाएगा तो आपको डन कर देना है इसको एंड डन कर देने के बाद आपको उसका थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है यहाँ पे ठीक है पहले स्क्रीन करके देख लेना फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई या डार्क है ओवरले रख लेना गाइस ठीक है ओवरले परफेक्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को आपको गज कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है आपको फेस के पास एंड यहाँ पे रेज कर देना है एंड इन्वर्ट कर देना इेजर रूम जाकर एंड जा जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए हूँ वहाँ वहाँ पर पेंट कर देना है इसको ठीक है तो यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है आपको रेज़ कर करके आराम से ठीक है तो इसको भी करते हैं फटाफट फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है तो अगर इतना हो जाने के बाद जो आप लोगों को फिर करना है आप लोगों को जो है इसकी ओपिसिटी थोड़ी सी यहाँ पर कम कर लेनी है ठीक है यहाँ पे मतलब इसकी ओपिसिटी ज़्यादा है तो उसको डन कर देना है फिर उसके बाद अब गाइस देखिए यहाँ पे ऐड फोटो में एक बार और जाना आप सभी को ठीक है यहाँ से ऐड करना आप सभी को तिलक का पी इन जी जो कि कृष्ण जी के लिए है ठीक है जो कि कृष्ण जी अपने मतलब आपने देखा होगा कभी फ़ोटो वगैरह कृष्ण जी की तो इस टाइप का जो तिलक उनके मतलब कि फेस के ऊपर होता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेना है एंड उसके बाद जो आप सभी को करना है आपको उसको ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड उसके बाद जो है यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड मल्टीप्लाई कर देने के बाद फ़ोटो को जूम करना है एंड आपको अपने फेस के पास कुछ इस टाइप से रख देना है ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर जाना परफेक्ट है ठीक है तो इस तरीके से आपको रख देना है एंड इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह आप करना चाहो तो वो कर सकते हो जैसे कि कैसे आपके मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पर एडजस्टमेंट में जाना है जैसे कि कैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या कम कर सकते हो ठीक है अगर आपको इसकी ज़्यादा लगे वो ओपोसिटी तो अदरवाइज uh, यहाँ पे इतना तो ही है ठीक है तो अब इसको हम डन कर लेते हैं तो so, अब इसको हम सेव कर लेते हैं ठीक है क्योंकि मतलब अब इसको ना कलर एडजस्टमेंट करके ना से मतलब एकदम मतलब मस्त फोटो बनाना है तो अभी हम इसको सेव करते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गज आपको करना क्या है क्या यहाँ पे आपको जाना चला इस लाइट वाला ऑप्शन में ठीक है सबसे पहले तो हम इसका साइडो को इंक्रीज़ करेंगे ठीक अब इसमें थोड़ी सी ब्लू टोन आ गई है तो उसको अभी हम करते हैं एडजस्ट तो अभी जो है वहाँ पे हाईलाइट्स इसको कम कर देंगे एंड जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इक्रीज़ करेंगे एंड उसके बाद जो यहाँ पे ब्लैक्स को कम कर देंगे यहाँ पे हम एंड उसके बाद वाइट को थोड़ा इंक्रीज अब उसके बाद गए यहाँ से जाएंगे हम कलर्स में अब यहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे एंड मिक्स टूल में जाएंगे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर देंगे येलो कलर लेंगे इसका जो सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे एंड उसके बाद लेंगे डार्क ब्लू इसका सचुरेशन हमें माइनस करना है क्योंकि ब्लू कलर हमें नहीं चाहिए यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद करते हैं इसको हम डन एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे नीचे वाले टूल में फ़ोटो की हम क्लियरिटी इनक्रीज़ करेंगे पहले थोड़ी सी विगनेट डाल देंगे इसमें हम ठीक है तो उसके बाद जो है यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा सा ग्रेन माउंट को बढ़ा देंगे एंड फिर जाएंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में नीचे वाले टूल में जाने के बाद हम फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करेंगे नोट रुक्शन बढ़ा देंगे एंड इसके नीचे जो कलर नोट रुक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे तो फाइनली बस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है तो बस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पढ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले गुड बाय